फाइनली जी दोस्तों हम ग्रीस में एंटर होने लगे हैं। ये ग्रीस का यहाँ पे कुछ कल्चर प्रेजेंट किया गया है। ये रेत वाली कॉफी जो है यहाँ पे मिल रही है। समझ रहे हो ना? तेरा बला तू भी चला रही है वो तेरा बला। देखिए अरबी खवातीन भी यहाँ पे लगी हुई हैं। अभी हम यूनान से निकले हैं सीधा इजिप्ट की तरफ। तो यहाँ पे ये इजिप्ट का कुछ कल्चर यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। ये है जी एंट्रेंस बॉलीवुड का और यहाँ से अभी हम इंटर हो रहे हैं। यहाँ पे लेक भी है खूबसूरत, यहाँ पे कश्तियाँ भी चल रही हैं, लोग राइडिंग कर रहे हैं। अच्छा, इनके अलग से चार्जेस ये लेते हैं। अभी आगे चल के देखते हैं आगे हमें क्या क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे चाइना, फ्रांस, मोरक्को की विदाउट वीज़ा आप यहाँ पे घूम सकते हैं। हाँ, ये देखिए, तो ये तीन कंट्रीज़ में आप विदाउट वीज़ा यहाँ पे घूम सकते हैं, विदाउट वीज़ा विदाउट टिकट। तो चलिए आपको भी घुमाते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज से यहाँ पे फॉरनर आए हुए हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी मस्त जगह है यार ये। ये देखिए यहाँ पे घोड़े का भी स्टैचू यहाँ पे बनाया हुआ है। इस तरह ये बालकनियाँ बनाई हुई हैं, लोग यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे जो रिवर चल रहा है, लेक जो चल रही है, इसका व्यू कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं जी मोरक्को की तरफ। मोरक्को आपको दिखाते हैं यहाँ पे उसका कुछ कल्चर जहाँ पे जो इन्होंने बनाया है। ये केबल कार यहाँ पे ऊपर चल रही है, ये देखिए गोले पता नहीं कहाँ पे चल रहे हैं, बहुत देर से सुनाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे दो कंट्रीज है ना, ये ग्रीस है और इस तरफ इजिप्ट है। क्या नहीं, ये कॉम्बोट है, विलेज कॉम्बोट है, नहीं असला वसला कुछ सब कुछ। ये एक किला बना हुआ है ऊपर तीर कमान लेके, ये किले का गेट है और अंदर अगर आप दाखिल होते हैं तो यहाँ पे वेपन्स पड़े हैं। ये तीर कमान आप यहाँ पे निशाना लगा सकते हैं, 15 रियाल में यहाँ पे आप निशाना लगा सकते हैं। सामने वो हदफ और यहाँ पे ये तीर कमान ओरिजिनल वाले, ये देखें। इस तरफ तो भाई साहब ये एयरगन से शूटिंग हो रही है। और ये भूत बंगला यहाँ पे, इसकी भी टिकट है। बस एयरगन से शूटिंग हो रही है, इस तरफ ये तीर कमान है। अभी दूसरी जानिब आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओरिजिनल वेपन से ना यहाँ पे शूटिंग हो रही है। वो तेरा बला तू भी चला रही है इसको तो देख। वो तेरा बला यार, अरबी औरतें चला रही है अंदर का, इसको इतनी शौकीन है बंदूकें चला रही है। ये अंदर ना वो यार कारतूस नहीं होता, कारतूस वाली वो वेपन यहाँ पे चल रही है, शूट गन। अरबी औरतें चला रही हैं भाई साहब, ये देखें, ये निशाने लगा के अपना आप चेक कर रही हैं किसका सही लगा किसका नहीं सही लगा। You have pistol and rifle. Pistol? ओके ओके, ये यहाँ पे पिस्टल है। इससे पूछे अरबी में यार, कितने पैसे लगते हैं? How much ticket? 80 रियाल, 80 रियाल है। ममनू भाई साहब उनको बोल रहे हैं पहले हम जाके देख लें उसके बाद जाके टिकट ले लेंगे। वो बोल रहे हैं ममनू है। ये देखिए औरतें अंदर से ला रही हैं यार। अभी यहाँ से आपको टिकट्स लेना होंगी अंदर, अगर आपने शूटिंग वगैरह करने के लिए जाना है उसके लिए आप यहाँ से आके टिकट लेंगे भाई साहब। ओरिजिनल वेपन। Thank you.
ये देखिए अरबी ख़वातीन भी यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ की ख़वातीन कितनी शौकीन है यहाँ पे गन चलाने की। हाल के हौज यार, आफत आई हुई यहाँ पे। तो फाइनली जी दोस्तों, हम ग्रीस में इंटर होने लगे हैं। ये ग्रीस का यहाँ पे कुछ कल्चर प्रेजेंट किया गया है और अभी बढ़ रहे हैं ग्रीस में। कुछ दुकानें और कल्चर वैसा है यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ऊपर म्यूजिक भी लगा हुआ है, बस कॉपीराइट लगने वाले हैं धड़ाधड़ हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ कॉफ़ी वगैरह, ये रेत वाली कॉफ़ी जो है यहाँ पे मिल रही है। शॉप्स में जो शॉपकीपर हैं या जो यहाँ पे जो बैठे हैं, वो आपको बिल्कुल वैसी ही ड्रेस पहनी हुई, वैसा ही कल्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। इमारतें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम टू सेम वैसे ही हैं, लेकिन जो यहाँ पे ऑडियंस फिर रही है, यहाँ पे जो लोग फिर रहे हैं, वो तो अरबी हैं, साफ ज़ाहरी बात है। तो फिर वो अपना कल्चर लेके फिर रहे हैं। अच्छा, इतना सारा इलाका हमने घूमा, सब देखा, लेकिन यहाँ पे हमें ना सऊदी अरेबिया का जो कल्चर है ना, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा कि कहीं पे उन्होंने भी ऐसे मकान बनाए हों या इस तरह की कोई कॉफ़ी शॉप और चीज़ें यहाँ पे रख के उन्होंने प्रेजेंट कुछ किया हो। अभी दूसरी कंट्रीज़ चल रही हैं, स्टेप बाई स्टेप देखते हैं कितनी सारी कंट्रीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं और वहाँ पे क्या कुछ है। यहाँ से ही केबल कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर आप यहाँ से केबल कार पे बैठते हैं तो यहाँ से ऊपर से आप सारी जितनी भी कंट्रीज़ के यहाँ पे इन्होंने मॉडर्न बनाया वो सारा देख सकते हैं यहाँ से। ये देखें यहाँ पे ये कल्चरल ड्रेस है। अभी हम यूनान से निकले हैं सीधा इजिप्ट की तरफ। तो यहाँ पे ये इजिप्ट का कुछ कल्चर यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। पैरामिड्स भी बने हुए, देखिए यहाँ पे पैरामिड भी है ऐसे लाइन वाइज। ये ममीज भी बनी हुई हैं, ये देखें। सैंड में ये ममीज पड़ी हैं और बच्चे चढ़े हुए हैं। यार ये जिस तरह का म्यूजिक लगा होता है ना, ऐसे वाइब क्रिएट होती है ना, जैसे वाकई में मिस्र में फिर रहे हैं। अभी ये मिस्र का बाजार, ये देखिए यहाँ पे वैसी मूर्तियाँ रखी गई हैं, पुरानी पुरानी वो जैसे चीज़ें हुआ करती थी वो सब चीज़ें वैसे ही लबास हैं। ख़वातीन की कुछ ऐसी ड्रेसिंग होती है इजिप्ट में। ये देख, ये इजिप्ट का कल्चरल ड्रेस है। हर खान
ये देखें यहाँ पे खाना भी इजिप्ट स्टाइल का मिल रहा है। ये क्या चीज़ है? बड़े स्टाइल से बना रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है वो देखें। ये देखिए ये पैरामिड है, और पैरामिड के अंदर इस तरह के होटल्स इन्होंने बनाए हुए हैं। चलें जी, इजिप्ट से बाहर निकल चुके हैं, अभी आगे बढ़ते हैं किसी दूसरी कंट्री की तरफ। सामने आई थिंक ये ईरान लग रहा है। तो अभी जी हम वापस आ चुके हैं। ये देखें जी, यहाँ पे जो पार्किंग है ना वो भी फ्री नहीं है। यहाँ पे अंदर हम लोग गए हैं, वहाँ पे यकीन करें जगह जगह पे वहाँ पे इतनी इतनी महंगी चीज़ें मिल रही थी ना कि आपकी सोच होगी। आप वैसे भी इन चीज़ों को जज कर सकते हैं कि किसी कंट्री में अगर इस तरह की जगह बनाए तो उसके लिए फिर अलग अलग जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी बहुत महंगी मिलेंगी। अभी यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं। एक तो यहाँ पे ना इशारों वाला सीन भी नहीं है। अंदर जो टिकट्स है ना, ये तो एक टिकट है आपकी तकरीबन बन जाती है 60 रियाल पाकिस्तानी, 5000 रुपये की आपकी सिर्फ इंट्री टिकट है। अंदर जो टिकट्स हैं अलग अलग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो गेम्स हैं या शूटिंग क्लब बनाए हुए हैं, तो वो सब जगहों पे इतनी हैवी वहाँ पे टिकट्स लगा रखी हैं। तो इस टिकट में सिर्फ आप ऐसे घूम फिर सकते हैं वहाँ पे, इसमें कुछ भी और इंक्लूड नहीं है। और ये बॉलीवुड के दो हिस्से हैं, एक ये है और एक वो है। वहाँ पर टाइम्स के और जो न्यूयॉर्क में है ना उसको प्रजेंट किया गया, वो इतना बड़ा नहीं है, उसकी कम टिकट है। और यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ को, जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया, यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। तो हमने इसकी टिकट ली थी, उसकी अलग टिकट है वहाँ पे उस एरिया में जाने के। लेकिन अभी वहाँ पे भी काफ़ी वो चीज़ें बंद हो गई हैं, पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे LCD शो हो रही थी। अभी यहाँ से गाड़ी में बैठ के निकलते हैं अपने होटल की तरफ और सोते हैं, नींद भी काफ़ी आ रही है। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई जगह पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।